हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसी एजुकेशन हब आंसर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी कंटिन्यू कार्बोनाइल कंपाउंड्स केमिकल प्रॉपर्टी यूनिट नंबर 3 सेकेंड रिएक्शन वी स्टार्ट, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से क्वेश्चन पुटअप होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम चांस है ऑक्सीडेशन से आपको मिलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट्स अपन दोनों का कराएंगे, फर्स्ट ओपल अपन देखने वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और उसके बाद में स्टूडेंट्स अपन देखने वाले हैं कीटोन का ऑक्सीडेशन होने के बाद अपने को क्या मिलता है। ये स्टूडेंट्स एल्डिहाइड का अगर अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अपने को मिलता है क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है। दैट मीन्स एल्डिहाइड होता है CHO और CHO में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन। किसका एडिशन कराना है, ऑक्सीजन का एडिशन कराना है। इस वाले में अपन ने एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका हूँ एल्कोहल का अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। और कार्बोनाइल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन अपन कराते हैं तो क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, उसमें अपने को मिलते हैं एसिड। क्या मिलते हैं, एसिड का फॉर्मेशन होता है। कीटोन का अगर अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं स्टूडेंट्स तो अपने को मिलता है क्या, एस्टर। किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं किसका, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। एल्डिहाइड में से क्वेश्चन पुटअप होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब देखो एल्डिहाइड कौन कौन सी रिएक्शन देखता है स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एलिफैटिक। कौन से होते हैं, एक तो होते हैं एलिफैटिक और एक कौन से हो सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं। जैसे एलिफैटिक में बात करें तो इसे फॉरेन एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये सारे किस्में आते हैं एलिफैटिक में। एरोमेटिक में कौन सा आता है, बेंजीन रिंग वाले C6H5 बेंज एल्डिहाइड आपके पास में है। इसके अलावा बेंज एस्टल्डिहाइड आपके पास में हो सकता है, ये वाली किस्में आते हैं एरोमेटिक का मतलब जिसे रिंग जुड़ गई। कौन सी वाली, बेंजीन रिंग, जिसे बेंज एल्डिहाइड आपके पास में हो गया। ओके, ये दो टाइप। अब कौन से वाला एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडेशन देगा और कौन से वाला नहीं देगा, उसमें कौन से रेजेंट यूज किए जाएंगे, उन रेजेंटों को वन बाय वन अपन देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन करने में जो रेजेंट काम आते हैं, सबसे पहला रेजेंट आपके पास में है स्टूडेंट्स वो है टोलेन रेजेंट। कौन सा काम आते हैं, टोलेन रेजेंट जो होता है यह ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट होता है। कई बार पूछ लेता है टोलेन रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टोलेन रेजेंट का फॉर्मूला क्या होगा वो अपन देखने वाले। टोलेन रेजेंट को बनाते कैसे, प्रिपरेशन इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है GNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन स्टूडेंट्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, अमोनिकल सॉल्यूशन होता है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, वही टोलेन रेजेंट होता है। ओके, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टोलेन रेजेंट। दैट मीन्स इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। क्या मिलेगा, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O आपको मिलता है। और सिल्वर जो ऑक्साइड होते हैं Ag2O, इसकी अगेन अपन रिएक्शन किससे कराते हैं स्टूडेंट्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो आपको एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इस टाइप से यहाँ पे मिलेगा आपको Ag और यहाँ पर लिखा मिलेगा NH3 और यहाँ पर मिलेगा NH3 2+1। यही अपने पास में क्या है, टोलेन रेजेंट है, डाई अमोनियम सिल्वर आयन। डाई अमोनियम सिल्वर आयन जो है ये टोलेन रेजेंट का काम करता है। और यहाँ पर जो अपने को प्राप्त होता है स्टूडेंट्स वो सिल्वर Ag प्राप्त होती है। ये सिल्वर का मिरर है, क्या है ये, सिल्वर मिरर। यही सबसे बड़ा टेस्ट है, अगर लैब में अपन टेस्ट करेंगे प्रैक्टिकल्स में तो अपन इसको देखते हैं। एल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड का जो टेस्ट है वो टोलेन रेजेंट के साथ किया जाता है। इसके अलावा फेलिंग सॉल्यूशन भी काम आता है, सिप रेजेंट भी काम आता है, उनकी बातें करेंगे। फिलहाल टोलेन रेजेंट जो है
एलिफेंटिक एल्डिहाइडों का डिटरमिनेशन करने के लिए, एलिफेंटिक ध्यान रखना एलिफेंटिक, एरोमेटिक एल्डिहाइडों में टोलेरेजन टेस्ट नहीं देता है, किसमें देता है ओनली एलिफेंटिक एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा टेस्ट करेंगे अपन, टोलेरेजन टेस्ट करेंगे। और एलिफेंटिक कंपाउंडों में टोलेरेजन कैसे बनता है ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ। अब अपन बात करते हैं इसमें बन के अपने पास में क्या, सिल्वर ऑक्साइड जो बना है ये सिल्वर ऑक्साइड किससे रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइडों से रिएक्शन करेगा। देखिए कैसे रिएक्शन करता है, एल्डिहाइडों से रिएक्शन कौन करेगा, टोलेरेजन रिएक्शन करेगा। ये तो आपके पास में टोलेरेजन का फॉर्मेशन हो गया, डाई अमोनियम सिल्वर आयन है यही टोलेरेजन आपका होता है। अब एल्डिहाइड आपके पास में जैसे मैंने कहा CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड है क्या, इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन अपन स्टूडेंट कराएंगे सिल्वर ऑक्साइड से। जैसे सिल्वर ऑक्साइड जो होता है ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण क्या करेगा इसका ऑक्सीडेशन, और क्या बनाएगा स्टूडेंट्स ये बनाएगा एल्डिहाइड किसमें बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर बन जाएगा ये वाला, इसकी प्रेजेंस में सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में टोलेरेजन की प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन हो जाती है। ये तो था ऑक्सीडेशन बाई टोलेरेजन, किसका फॉर्मेशन हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। सेकेंड टाइप का अपने पास जो रेजेंट जो स्टूडेंट काम आता है ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइडों की, वो आता है फेलिंग सोल्यूशन, कौन सा फेलिंग सोल्यूशन, और फेलिंग जो सोल्यूशन होता है FS से नोट करते हैं फेलिंग सोल्यूशन, ये होता है फेलिंग सोल्यूशन A प्लस फेलिंग सोल्यूशन B दोनों का मिक्स करने के बाद जो बनता है उसको एक वर्ड में बोलते हैं फेलिंग सोल्यूशन। और फेलिंग A और फेलिंग B क्या होता है, देखिए फेलिंग A होता है वो तो स्टूडेंट होते हैं कॉपर सल्फेट का एक्वस मीडियम, क्या कहलाता है फेलिंग सॉल्यूशन ए कहलाता है, और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम पोटेशियम का, सोडियम और पोटेशियम जो लवण होते हैं उनका टार्ट्रेट होता है, ठीक है टार्ट्रेट का मतलब चार आयंस वाला लवण होता है टार्ट्रिक अम्ल का, ये होते हैं सोडियम या पोटेशियम जो होते हैं के आयंस उनका टार्ट्रेट जो होता है, इन दोनों को मिक्स कर दें ये क्या कहलाता है फेलिंग विलयन बी कहलाता है, और कॉपर सल्फेट का जो एक्वस मीडियम होता है वो क्या कहलाता है फेलिंग विलयन ए कहलाता है, और दोनों को अगर ए और बी दोनों को मिला दें कॉपर सल्फेट को इसको मिला दें तो वो क्या कहलाएगा एक वर्ड में फेलिंग सॉल्यूशन कहलाता है, क्या कहलाता है फेलिंग सॉल्यूशन कहलाता है। तो किसमें काम आता है ये फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो ऑक्सीडेशन करने के काम आता है, किसका एल्डिहाइड का, किसका काम कर आते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने के काम आता है। देखो रिएक्शन कैसी होती है, इसमें कौन सा वाला पार्ट कैसे काम करता है, देखो फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी क्या होते हैं वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, देखिए फेलिंग सॉल्यूशन ए, अब अपने को रिएक्शन करानी किसकी एल्डिहाइड ग्रुप का, अपन रिएक्शन कराएंगे इसकी उपस्थिति में फेलिंग सॉल्यूशन की उपस्थिति में, और फेलिंग सॉल्यूशन में मोस्टली स्टूडेंट होते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड आ जाता है, जब दोनों को मिक्स करते हैं तो कौन आता है क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड आता है, और क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड जो है ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो प्रेजेंस में एल्डिहाइड जो होते हैं वो कौन से ग्रुप में बदल जाते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो चुका है, और यहाँ पर आपको प्राप्त होता है CO2 क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्या प्राप्त होता है ये अपने पास में था क्यूप्रिक और यहाँ पर क्या आ गया क्यूप्रस, ये वाला जो क्यूप्रस होता है ये कैसा होता है रेड कलर का, कैसा होता है रेड कलर का, जबकि ये जो अपने पास में जो पहले सॉल्यूशन था स्टूडेंट्स ये रेड ब्राउन कलर का था, ये वाला किसमें था ये रेड ब्राउन कलर का था, ये रेड ब्राउन कलर किसमें कन्वर्ट हो गया रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो जाता है। ये चेंज जो अपने देखा ये कौन सा कहलाता है अपने पास में सेकेंड टाइप की ऑक्सीडेशन रेजेंट था, कौन से वाला फर्स्ट था टोलेन रेजेंट अपन ने पढ़ा, दूसरा ऑक्सीडेशन का काम करता है इसका एल्डिहाइड होगा, दूसरा अपन ने कौन सा देखा सेकेंड अपन ने स्टडी किया है फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन भी किससे काम आता है एलिफेटिक एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन करने के काम आता है, ध्यान रखना एलिफेटिक
ना कि एरोमेटिक। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कौन से टेस्ट करोगे? तो वो दो टेस्ट हैं बेटा, कौन से? एक तो टोलरेंट एजेंट टेस्ट करोगे, क्योंकि एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये नहीं देते हैं। दूसरा, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी अपन ये टेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये दो अपन चीजें अपने को याद रखनी है। दो मेथड अपन ने पढ़ा है ऑक्सीडेशन के अंदर, कौन से वाले? टोलरेंट एजेंट के साथ रिएक्शन कैसे होती है, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन कैसे होती है ऑक्सीडेशन वाले पार्ट के अंदर। नेक्स्ट वाले अपन ऑक्सीडेशन में देखने वाले हैं, इसी के साथ है एक अपने पास में हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन से वाले स्टूडेंट्स? हैलोफॉर्म रिएक्शन। देखो हैलोफॉर्म रिएक्शन का क्या अर्थ है, नेक्स्ट अपन देखने वाले हैलोफॉर्म रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में अपन दो रिएक्शन देख चुके हैं, तीसरी है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। देता कौन है? कार्बोनाइल एल्डिहाइड यूज करेंगे मोस्टली। ये वाली जो रिएक्शन देखो मैंने यूज कर लिया स्टूडेंट CH3C(OH)। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या काम आती है? हैलोफॉर्म रिएक्शन जो होती है ये C(O) ग्रुप की प्रेजेंस सिद्ध करती है। किसकी प्रेजेंस सिद्ध करती है? या तो C(O) ग्रुप प्रेजेंस है या COOH ग्रुप है ये प्रेजेंट है ये वाला। इन दो ग्रुप की प्रेजेंस को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए कंपाउंड के अंदर कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शन को यूज किया जाता है। उसमें देखें एल्डिहाइड के अंदर पर देखें ये वाला क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। क्या है स्टूडेंट्स? अल्फा। हैलोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए कार्बोनाइल कंपाउंडों से जुड़ा हुआ जो कार्बन है अल्फा है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, मस्ट बी। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो वाला रिएक्शन नहीं देगा, ये मस्ट बी है। एलिफेंटिक कार्बोनाइल कंपाउंडों में यह अल्फा हाइड्रोजन होता है। जैसे ये आपके पास में कौन सा एल्डिहाइड? एसिड एल्डिहाइड। ये वाला कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन है? ये अल्फा कार्बन है। और इस अल्फा कार्बन में देखें तो ये हाइड्रोजन कौन सी कहलाएंगे इसमें जुड़ी हुई? अल्फा हाइड्रोजन। खोल के लिख रहा हूँ उसको, ओपन टाइप देखो आप। ये वाला हाइड्रोजन एच, ये क्या है? एच। और ये क्या है? एच। ये हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? अल्फा हाइड्रोजन। ये कार्बन कौन सा कहलाएगा? अल्फा कार्बन। अब देखो इसकी रिएक्शन स्टूडेंट्स अपन कराते हैं किससे? बेस से। किससे रिएक्शन कराएंगे? बेस। और साथ में इसमें यूज करते हैं हैलोजन। क्या यूज करते हैं? हैलोजन को यूज करते हैं। कितने हैलोजन है? तीन हाइड्रोजन अपन ने यहाँ पर यूज किया, तो कितने बेस चाहिए इनको निकालने के लिए? तीन ही मोल चाहिए। और कितने ही हैलोजन के मोल अपन यहाँ पर यूज करते हैं? तीन मोल हैलोजन के। रिजल्टेड क्या मिलता है अपने को? लास्ट में जाकर के अपने को मिलता है, एक तो मिलता है एसीटेट यानी एल्कोहलिक पार्ट है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसलिए क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा यहाँ पर। और ऑक्सीडेशन होने से क्या बनेगा? एसिड बनेगा। और दूसरे वाले पार्ट में अपने को यहाँ पर मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर वाटर वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है, और साथ में बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ से HX के रूप में निकल जाते हैं, मॉलिक्यूल रूप में निकल जाते हैं। ओके, मेन पार्ट कौन सा हुआ स्टूडेंट्स के अंदर? ये वाला एसिटेट आयन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। एसिटेट आयन का फॉर्मेशन होने का मतलब है एसिटिक एसिड इसके अंदर बनता है। ये वाली रिएक्शन कौन सी कहलाती है? हैलोफॉर्म रिएक्शन कहलाती है। अब इस वाले हैलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, वन बाई वन आप इसको देख सकते हैं। इस वाले में सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ से OH ग्रुप एक है, इस वाले H को यहाँ से निकाल लेगा, क्या निकल जाएगा? H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। ओके, इस वाले में जैसे एक H निकलेगा स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस वाले X में देखे तो X और X है, यहाँ से एक X यहाँ टूट गया, एक यहाँ पर चला गया। ओके, यहाँ से क्या है, एक X निकलेगा और एक X पे पॉजिटिव आएगा, एक पे क्या आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव वाला कहाँ जुड़ जाएगा? इसके पास जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ जाएगा? इसके पास आकर के ऐसे जुड़ जाएगा। ओके, ऐसे जुड़ जाएगा अपने पास में आकर के। दैट मीन्स इस वाले में जो लास्ट में अपने प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, उस प्रोडक्ट में आपको एक प्रोडक्ट ऐसे भी मिलेगा CX3। क्या मिलेगा? CX3-। CX3 क्या मिलेगा? माइनस। और ये CX3- है, ये ट्राई हैलाइड कहलाते हैं। और ट्राई हैलाइड का अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूँ एसिडिक मीडियम में, तो अपन यहाँ CH3 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसका? CHX3। जस्ट लाइक क्लोरोफॉर्म CHClx यूज कर लो, क्या? CH3। तो क्या बन जाएगा मेरे पास में? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स हैलोफॉर्म रिएक्शन जो होती है वो किसमें काम आती है? C डबल बॉन्डों की प्रेजेंस सिद्ध करती है। और किसमें मोस्टली?
एल्डिहाइड जो होते हैं ये फास्ट रिएक्शन देते हैं बजाय किसके, कीटोन के। एल्डिहाइड होंगे इधर सी डबल बॉन्ड ग्रुप ऊपर जैन सिद्ध करने में किसको यूज करते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन को यूज करते हैं। और हैलोफॉर्म रिएक्शन भी कैसी स्टूडेंट, हैलोफॉर्म रिएक्शन जो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कैसी होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। दैट मीन्स अपन ने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और इसके अंदर अपन देखें अगर एक्स की जगह अपन स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ये एक्स अपन यूज कर रहे थे यहाँ पर, ये वाला एक्स, अगर एक्स की जगह अपन यूज कर लेते हैं स्टूडेंट आयोडीन, क्या यूज कर लेते हैं आयोडीन, तब इसको क्या बोलते हैं आयोडोफोरम टेस्ट, क्या बोलते हैं आयोडोफोरम टेस्ट, आयोडोफोरम टेस्ट बोला जाता है। और आयोडोफोरम टेस्ट का मतलब क्या यूज करना है, हाइड्रोजन की जगह आई टू मोलिक्यूल को यूज करना है, तब तो क्या कहलाएगा ये आयोडोफोरम टेस्ट कहलाता है। और इसमें आयोडोफोरम टेस्ट कराएंगे तो आयोडोफोरम जो बनेगा वो येलो कलर का होगा, कैसा होगा येलो कलर का, आयोडीन का कलर जो मिला वो कैसे मिलेगा येलो कलर का होगा, ठीक है, येलो कलर का टेस्ट अपने को मिल जाता है जिसे आयोडोफोरम टेस्ट भी कहते हैं। और आयोडोफोरम टेस्ट किसके द्वारा दिया जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड मोस्टली एल्डिहाइड के द्वारा दिया जाता है। ये प्रोसेस अपन ने पढ़ा है कार्बोनिल कंपाउंडों की, कौन सी वाली रिएक्शन है, ये अपन ने पढ़ी है इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्टूडेंट इसी के साथ एक लास्ट रिएक्शन इसकी है वो अपन देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, वो है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। कौन से वाला स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन पार्ट है कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड का, वो है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। क्या है, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, बहुत ही सिंपल है, देखिए सेम वही है, ये क्या स्टूडेंट आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओके एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है स्टूडेंट्स पर बेंजोइक एसिड, ये है आर ओ ओ ओ आर, इसको बोलते हैं पर एसिड, क्या बोलते हैं इसको पर एसिड बोलते हैं, ये तीन ऑक्सीजन वाले जो जुड़ते हैं उसको बोलते हैं पर एसिड, ओके एसिड में दो ही ऑक्सीजन होते हैं ओ एच या तीन एन, क्या बोलेंगे इसको पर एसिड बोलते हैं। इस पर एसिड के अंदर से ये एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन होता है ये जुड़ करके यहाँ आ जाता है इसके बीच में, जैसे यहाँ पर आएगा आपको मिल जाएगा आर सी ओ ओ एच, इसका मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप किसमें बदल गया वही कार्बोक्सिल ग्रुप में बदल जाता है, पर ऑक्सीजन आता कहाँ से है पर एसिड से, ऑक्सीजन यहाँ से आता है और किसमें ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ये कहलाता है क्या बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन कहलाता है जो एल्डिहाइडों के अंदर पाया जाता है। ये मोस्टली है ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसकी, एल्कोहलों की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी इसकी कार्बोनिल कंपाउंडों में एल्डिहाइड की रिएक्शन स्पेशली अपने देखिए, टोलुएन एजेंट के साथ में करता है, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करता है, दूसरा अपन ने इसके अंदर देखा है किसके साथ ये रिएक्शन करता है आयोडोफोरम टेस्ट देता है वो रिएक्शन हैलोफोरम रिएक्शन, और चौथा अपन ने पढ़ा है कौन से वाली बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन भी दिया जाता है। तो ये चार टाइप की रिएक्शन है, सेम यही रिएक्शन जो अपन है वो पढ़ने वाले हैं किसके अंदर अदर वाले पार्ट में, जो कीटोन है वो भी इस टाइप की रिएक्शन देता है, कौन से वाले बेयर वाले, सो नेक्स्ट अपन देखने वाले कीटोनों का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। ओके टुडे दैट इज सफिशिएंट, नेक्स्ट वीडियो विल सी ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ओके थैंक यू।